प्याज कहने को रसोई का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इन दिनों इसने पूरे देश की गृहिणियों के आंसू निकाल रखे हैं। हो भी क्यों ना, अब तक केवल प्याज काटते वक्त ही आंसू आया करते थे, लेकिन अब खरीदते वक्त भी आंखें गीली हो रही हैं। प्याज के दाम आसमान छूने के कारण रसोई का बजट बिगड़ गया है। आमजन के इसी दर्द को जाना हमारी सहयोगी मेघा कौशिक ने। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी पीपली लाइव, जिसका गाना था महंगाई डायन खाए जात है, लेकिन यहाँ प्याज के दाम इस कदर बढ़े हुए हैं आजकल कि वो खाने में आ ही नहीं रही है, यानी खाने से दूर दूर तक उसका वास्ता नहीं है। आम लोग हो, गरीब लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, आम मीडियम वर्ग के लोग भी अब बहुत सोच समझकर प्याज खरीद रहे हैं, और वो कारण ये है कि वो 80-90 यानी कि 80-90 के साथ साथ सेंचुरी पार भी कर चुकी है। आप प्याज इस वक्त आपके पास है, कौन कौन सी प्याज है, क्योंकि दो तरह के देख पा रहे हैं, छोटी और बड़ी, और भाव क्या आएंगे? भाव 80 और 90, 80 और 90 रुपए किलो के हैं। पहले 100 के आसपास भी जा रहे थे, 100 के पार भी थे शायद। जा सकती है, अभी गई नहीं, जा सकती है। अच्छा, और क्या कारण? 75-80 खरीदो क्या रहा है, और कारण क्या है इसके भाव? माल कमारा भी, माल ज्यादा नहीं, नई साल माल आ जाता, जब होगा कम थोड़ा, यानी कि पूरा दिसंबर जो है वो ऐसे ही रहेगा, अभी तेज चले, हाँ कम नहीं होगा, मैं क्या अगर माल ज्यादा बात है, नहीं कम होने का नहीं है वैसे, यानी नए साल के आसपास, हाँ जब ज्यादा माल आएगा नया। अच्छा, ऐसे में क्या काला बाजारी भी होती है? ऐसा नहीं है कुछ, काला बाजारी कुछ नहीं, कुछ नहीं काला बाजारी, कुछ नहीं काला बाजारी, नहीं कुछ नहीं। अच्छा, ग्राहकी कितनी हो पा रही है, क्योंकि 80-90 के आसपास है, मेरे लोग बाग महंगा थोड़ा कम खाते हैं, सस्ता ज्यादा खा लेते हैं, ये 5 किलो या 2.5 किलो या 2 किलो 1 किलो वो बात है। अच्छा, और प्याज का भाव आपको पता चल गया होगा? 90 और 80, तो अब आप लेने वाली हैं? मतलब लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चों को टेस्ट में जो है प्याज का मुंह लगा हुआ है, लेना तो पड़ेगा ही। अच्छा, एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम जब सब्जी बनाएं या कोई भी जायका होता है उसमें प्याज बहुत ज़रूरी होती है, तो अब ऐसे में अब आप क्या करते हैं, क्योंकि दाम तो सितंबर नवंबर से बढ़े हुए हैं, मजबूरी में लेने ही पड़ेंगे। 80 रुपये किलो, 80-90 प्याज सब जगह अवेलेबल है, लेकिन रेट हाई है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक में नहीं है, स्टॉक में है काफ़ी, लेकिन महंगा है, और ये दुकानदार भी ये बता रहे हैं कि साहब उसकी आपूर्ति नहीं हो रही। अब खाद्य मंत्री जी है जो, वो कह रहे हैं हमने तुर्की से मांगा है, उनको 3-4 महीने तो हो गए कहते हुए कि अभी तक उनका प्याज आया नहीं, जबकि उनको व्यवस्था करनी चाहिए ना, खाद्य मंत्री रहने का क्या मतलब है उनका। अब देखना ही होगा कि ये दाम कब तक नॉर्मल होंगे, जब आम लोगों को भी ये प्याज आसानी से उपलब्ध हो जाए। कैमरामैन विजय के साथ मेघा कौशिक, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है, और इसी वजह से किचन का जो बजट है वो भी गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं गृह लक्ष्मियों का भी बजट बिगड़ गया है, और इसी को लेकर गृह लक्ष्मी और जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल से खास बातचीत की हमारी सहयोगी मेघा कौशिक ने। किसी भी आम आदमी के किचन का बजट बिगड़ गया है, गड़बड़ा गया है, और ऐसे में महिलाएं ये सोच रही हैं कि कैसे वो प्याज के बिना जायकेदार खाना बनाएं, क्योंकि बच्चों को जायके के बिना मज़ा नहीं आता है। अब ऐसे में खाना भी अच्छा होना चाहिए, और प्याज को भी हमें मैनेज करना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि इसके दाम अब आसमान छू रहे हैं। हम लोग आ गए हैं यहाँ जयपुर में, घर में आए हुए हैं, ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, और किचन में खाना बन रहा है इस वक्त, बिल्कुल सही टाइम है। ऐसे में प्याज का कितना उपयोग आप कर रही हैं, क्योंकि दाम तो बहुत बढ़ गए हैं? देखिए, निश्चित रूप से दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो फ़र्क तो आया है, जितना पहले फ्रीक्वेंटली यूज़ कर लेते थे प्याज को, उतना अब नहीं यूज़ करते, थोड़ा सा संभल करके उसको यूज़ करते हैं। जैसे मैं सब्जी की अगर बात कहूँ, तो पहले हरी मिर्च, अदरक, धनिया, और उसके साथ में प्याज भी जनरली सब्जी का जायका बढ़ाने के लिए होता था, लेकिन अब उस प्लेट में से प्याज गायब हो गया है। अब उसमें से हरी मिर्च, अदरक और धनिया ज़्यादातर यही मैनेज करते हैं कि इन्हीं से ही सब्जी का टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाए। मैं यूँ कहूँगी कि देखिए, महिलाओं को जब एज ए गृहिणी जब मैं बात करती हूँ, तो आलू और प्याज ऐसी चीज़ होती थी जो हमेशा घर में रहती थी,
और जैसे कोई मेहमान अचानक से घर आ गया तो महिलाओं के लिए बहुत सुटेबल होता था, एक तरफ दाल चढ़ाई और एक तरफ आलू प्याज चढ़ाया और फटाफट से खाना बना दिया। अब इतनी कई बार देखना पड़ता है प्याज भी है कि नहीं है, ये सब्जी भी सोचे या नहीं सोचे, तो ये चेंज बिल्कुल आया है। और मैनेज करने में, जैसे पहले दिन में बच्चों को भूख लगी, ऐसा लगता था कि कुछ स्नैक्स चाहिए, फटाफट से कुछ बना दो, तो लगता था कि प्याज टमाटर के सैंडविच बनाएं और काम चल जाए, हाँ, फटाफट हो जाता। अब उनको लगता है नहीं तुमको 15 मिनट वेट करना पड़ेगा, आलू बॉईल होंगे तो आलू के ही सैंडविच बनेंगे। तो कुछ इस तरह का मैनेजमेंट, चूँकि गृहणियाँ हैं तो मैनेज तो करके चलती हैं, कोशिश करती हैं कि जब मेहमान आए तब कुछ प्याज उनके पास हमेशा अवेलेबल रहे, या कोई स्पेशली कोई बहुत ज़रूरत हो, बच्चे बिल्कुल नहीं खा रहे हों तो हम उन्हें दे सकें। लेकिन जो रेगुलर यूज़ था कि हर वक्त सलाद में प्याज होता था, जैसे इस समय मूली और गाजर का टाइम है तो मूली गाजर प्याज टमाटर ये सलाद में होते थे, लेकिन अब जनरली प्याज उसमें से हट गया, मूली गाजर टमाटर ही उसमें होते हैं, तो ये एक चेंज जो है वो आया है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि हमारी किचन में तो केवल शायद स्वाद का परिवर्तन आया है कि हम थोड़ा मैनेज करके चल रहे हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं उन लोगों के बारे में, जब हम उस गरीब के बारे में सोचते हैं कि जो कांदे से अपनी रोटी खा लेता था, उसका खाना हो जाता था, उसकी डाइट हो जाती थी एक पूरी, वो डाइट कैसे मैनेज कर रहा है, उसको कितनी परेशानी आ रही है, उसका तो हमारा तो स्वाद गया है पर उसका तो खाना ही चला गया। कैमरामैन विजय के साथ मेघा कौशिक, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।